नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू हम विंडो मीडिया प्लेयर को अपने एक्सेल में ला सकते हैं। जी हाँ, आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो कोडिंग के थ्रू है। अगर आपको विदाउट कोडिंग विंडो मीडिया प्लेयर अपने एक्सेल में चलाना है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विदाउट कोडिंग आप विंडो मीडिया प्लेयर कैसे चला सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक में मूव होते हैं और देखते हैं विंडो मीडिया प्लेयर VBA की कोडिंग के थ्रू हम अपने एक्सेल में कैसे प्ले करते हैं। सबसे पहले हमें डेवलपर टूल में क्लिक करना है। अगर आपके पास डेवलपर टूल नहीं है, आपको फाइल में जाना है, आपको ऑप्शन में जाना है, आपको कस्टमाइज रिबन में क्लिक करना है। यहाँ पे डेवलपर है, आप डेवलपर में चेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद डेवलपर में क्लिक करना है, इंसर्ट में क्लिक करना है। सबसे नीचे एक ऑप्शन है मोर कंट्रोल, आप मोर कंट्रोल में क्लिक करिए। उसके बाद आपको इसको पूरा स्क्रॉल करना है नीचे तक। जैसे ही नीचे तक जाएंगे यहाँ पे लास्ट में विंडो मीडिया प्लेयर दिखेगा, विंडो मीडिया प्लेयर में क्लिक करके ओके कर दीजिए। माउस एक प्लस आइकन में चेंज हो जाएगा, एज अ कर्सर आपका प्लस आइकन में चेंज हो जाएगा और जितना भी आपको विंडो मीडिया प्लेयर को जितना भी एक्सपैंड करना है उतना करके आप छोड़ दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे आपका विंडो मीडिया प्लेयर आ चुका है। अब इस विंडो मीडिया प्लेयर के अंदर हमें फाइल्स चलानी है, तो फाइल के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे और एक ये एक्टिव एक्स कंट्रोल, उसके नीचे एक सबसे पहले कमांड बटन आएगा, उस कमांड बटन में क्लिक करके जितना भी बड़ा आपको बटन चाहिए उतना बड़ा कर लीजिए। जैसे मुझे इतना बड़ा चाहिए, मैंने इतना बड़ा कर लिया और ये यहाँ पे शो हो चुका है। अब पहले तो इस कमांड बटन का नेम चेंज करते हैं। आपको राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे आप नेम चेंज कर दीजिए। मैंने लिख दिया म्यूजिक प्ले, तो ये म्यूजिक प्ले इसका नाम हो गया है। अब अगर आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो कलर यहाँ से चेंज हो जाता है, फॉन्ट चेंज करना चाहें, जो भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे एज इट इज ही रख देता हूँ, मुझे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इसमें एक सिंपल कोडिंग पेस्ट करनी है। कोडिंग के लिए आपको क्या करना है, इस कमांड बटन में, इस बटन में आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये आपको एक मैक्रो की कोडिंग में ले जाएगा। आपने यहाँ पे जो भी लिखा है उसे डिलीट कर देना है। ये जो कोडिंग है आप बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट। आपको ये कोडिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप नीचे देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में, बस कॉपी पेस्ट करना है और आपका काम खत्म। ये हो गया, आप इसे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद लास्ट में आप कहीं भी एक्सेल में क्लिक मार के डिजाइन मोड को ऑफ कर दीजिए। अगर आप डिजाइन मोड को ऑफ नहीं करेंगे तो आपका ये मैक्रो चल नहीं पाएगा। डिजाइन मोड का मतलब है कि आप मैक्रो में कोई भी डिजाइन करना चाहे तो वो डिजाइन मोड ऑन करने के बाद ही होता है। आपने ये देखिए, ये अभी हाईलाइटेड है, जैसे आप इसे ऑफ कर देंगे तो ये देखिए ये ग्रेड आउट हो चुका है, ये हाईलाइटेड नहीं है। मैं अब कुछ भी प्ले करना चाहूँ, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसमें क्लिक मारूंगा, ये मुझे बोलेगा कौन सी फाइल आपको प्ले करनी है। मैं कोई भी एक मूवी क्लिप, जैसे ये मैं मूवी क्लिप को प्ले करता हूँ। रामलाल कौन? गली का कुत्ता। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना ये कान के नीचे मारता तो 32 हाथ में आ जाती। तो ये देख सकते हैं आप, इसके बाद आप जितनी बारी भी, मतलब अलग अलग फाइल अगर आपको ब्राउज करनी है तो आप अलग अलग फाइल भी जितनी बारी इसमें क्लिक मारेंगे उतनी बारी अलग अलग फाइल ब्राउज करने के लिए ऑप्शन देगा। जैसे मैं फिर से क्लिक मारता हूँ, ये बोलेगा अब आपको कौन सी वीडियो प्ले करनी है। मैं कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्ले कर देता हूँ। ये जैसे ही आप कोई भी फाइल प्ले करेंगे वो थोड़ा बड़े साइज में आ जाएगा। अगर आपको नॉर्मल साइज में लाना है तो आपको एक्सेल में क्लिक मारना है, जितनी बारी भी आप क्लिक करेंगे एक्सेल में ये छोटा होता रहेगा, तो आप अपने नॉर्मल साइज में इसे वापस ला सकते हैं। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस करिएगा और अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये विंडो मीडिया प्लेयर मैक्रो के थ्रू यूज करके कैसा लगा। प्लीज अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हम जैसे आप जैसे फ्रेंड्स ऐसी नॉलेज गेन कर सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।